पाकिस्तान में खुराक का बढ़ता हुआ बहरान। दुनिया के मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान उन 36 ममालिक की फरिस्त में शामिल हो चुका है जो शदीद तौर पर खुराक की किल्लत और बहरान से दो चार हैं। खुराक के बहरान की दो अहम वजूहात हैं, एक वजह खुराक की अदम दस्तियाबी जबकि दूसरी बड़ी वजह खुराक की कीमतों का हद दर्जा बढ़ जाना है। खुराक की कीमतों के बढ़ जाने में सबसे अहम किरदार जखीरा अंदोजों का भी है जो इन पेचीदा हालात में भी अनाज सब्जी और फल फ्रूट वगैरह जखीरा करते नजर आते हैं। इसी वजह से खुराक की डिमांड और सप्लाई के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त मुल्क की निसफ आबादी अपनी आमदन का 75% खुराक की ज़रूरियात पूरा करने पर खर्च कर रही है जबकि मजमूई आबादी का 76% कम खुराकी का शिकार हैं। माली मुश्किलात के शिकार अक्सर पाकिस्तानियों की योमिया खुराक में दूध, गोश्त और फल वगैरह शामिल नहीं। पाकिस्तानी आवाम बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल की वजह से कुव्वत खरीद खो चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में तशवीशनाक हद तक इजाफा बढ़ता चला जा रहा है।